आखिर क्यों बार बार इमोशनल हो जाती है नेहा कक्कर, क्यों बार बार स्टेज पर सबके सामने छलक जाते हैं नेहा के आंसू। जी हां, हमेशा हंसती मुस्कुराती नेहा कक्कर जब भी अपने फैंस के सामने आती हैं तो उनका दिल जीत जाती हैं। नेहा दिल खोलकर हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, लेकिन वो कितनी इमोशनल हैं ये भी उनके चाहने वाले अच्छे से जानते हैं। कई बार नेहा को स्टेज पर फूट फूट कर रोता देखा गया। नेहा का ये इमोशनल रूप देखकर कई बार लोग भी हैरान हुए कि वो छोटी से छोटी बातों पर भी रो पड़ती हैं। लेकिन अब खुद नेहा ने इस राज से पर्दा उठा दिया है और बताया है कि उनके साथ ऐसा उनकी हेल्थ इश्यू की वजह से होता है। जी, दरअसल इंडियन आइडल के आने वाले एपिसोड में चंडीगढ़ की अनुष्का के लुका छिपी गाने के परफॉर्मेंस के बाद नेहा कक्कड़ काफी इमोशनल हो गई और अनुष्का की सुरीली आवाज सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। इसी दौरान कंटेस्टेंट अनुष्का की तारीफ करते हुए नेहा ने खुद से जुड़ा ये खुलासा करते हुए बताया कि अनुष्का की तरह उन्हें भी एंजाइटी इश्यू रहते हैं। उनका थायराइड से पीड़ित होना भी उनके चिंतित रहने की वजह है। नेहा के इस खुलासे के बाद हर कोई काफी हैरान हो रहा है। किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस नेहा को वो बिल्कुल बिंदास देखते हैं, हमेशा खुशी से झूमते देखते हैं, असल में वो थायराइड की वजह से हमेशा परेशान रहती हैं और एंजाइटी इश्यू भी रहते हैं। आपको बता दें कि एंजाइटी इशू एक तरह से मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स, चिंता और डर का एहसास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीने आना वगैरह वगैरह। और अगर समय पर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि जिस तरह से नेहा खुद को प्रेजेंट करती है, हर किसी के साथ हंसी मजाक करती है और बिंदास होकर हर मोमेंट को एंजॉय करती है, उसे देखकर कौन कहेगा कि नेहा किसी हेल्थ इशू से पीड़ित है। नेहा के इस खुलासे के बाद अब ये भी साफ हो गया कि आखिर वो छोटी से छोटी बातों पर इतनी इमोशनल भी क्यों हो जाया करती हैं। लेकिन बावजूद इन सब के नेहा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने नए नए गानों और अपनी परफॉर्मेंस से सभी के दिलों पर छाती रहीं।